आज हम बनाएंगे मसालेदार चिकन यखनी पुलाव। नॉर्मली हम जब यखनी पुलाव बनाते हैं तो उसका चिकन काफी फीका सा लगता है, लेकिन हम अगर इस प्रोसेस से बनाएंगे यखनी पुलाव तो चिकन बहुत ही मजेदार और मसाले वाला लगेगा। यखनी बनाने के लिए सबसे पहले डालेंगे क्रश की हुई अदरक, ये करीब 2 इंच की अदरक है। लहसुन को मैंने छिलकों के साथ कुचल दिया है, करीब 10 से 12 है ये। क्रश की हुई एक मीडियम साइज की प्याज, लंबी कटी हुई हरी मिर्च है ये 3 से 4। अब खड़े मसालों में डालेंगे एक बादियान का फूल, आधा छोटा टुकड़ा जावित्री का, 2 इंच की दालचीनी का टुकड़ा, 5 से 6 हरी इलायची है ये, इस तरह से हमें इसे खोलकर डालना है, 8 से 9 लौंग, एक काली बड़ी इलायची है इसे भी खोलकर डालेंगे, 1 चम्मच भरकर डालेंगे काली मिर्च, 1 बड़ा चम्मच जीरा, साबुत धनिया डालना है 3 बड़े चम्मच भरकर, 2 बड़े चम्मच भरकर डालेंगे सौंफ, 2 से 3 डालेंगे तेज पत्ता, 2 चम्मच भरकर डालते हैं इसमें नमक। पानी हमें इसमें ज्यादा नहीं डालना है, बस 4 कप पानी मैं यहाँ इसमें डाल रही हूँ। अब इस यखनी को हमें बॉईल करना है कम से कम 10 मिनट के लिए। सारे मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए पानी में, तब तक हम इसे बॉईल करेंगे। 10 मिनट बाद हम इसमें डाल देंगे 1 किलो चिकन। चिकन डालने के बाद हम इसे ढककर पका लेते हैं मिनिमम 15 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर। चिकन को हम एकदम सॉफ्ट नहीं करेंगे, बस इसे 70 से 80% तक ही हमें पकाना है, बाकी ये पकेगा चावलों के साथ। ढक्कन हटाने के बाद चिकन के सारे पीसेस जो हैं वो हम एक एक करके निकाल लेते हैं। चिकन के सारे पीसेस निकाल लिए हैं हमने, इसे साइड में रख देंगे और जो यखनी है इसे अब हम छान लेंगे। अच्छी तरह से ये मसाला निचोड़ कर सारा पानी निकाल लेंगे तो ये यखनी हमारी रेडी हो गई है। अब जिस बर्तन में हमें पुलाव बनाना है इसमें डाल देंगे 1/4 कप भरकर घी, 1/4 कप डालेंगे तेल। बॉईल किया हुआ चिकन जो हमने निकाल कर रखा हुआ है ये इसमें डाल देंगे और इसे अब हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं कम से कम 3-4 मिनट के लिए। इस तरह से अगर हम फ्राई करेंगे तो चिकन के ऊपर अच्छी सी क्रिस्प कोटिंग आ जाएगी और चिकन खाने में बहुत ही मजेदार लगेगा। थोड़े से अब डाल देते हैं इसमें गरम मसाले, 1 स्टार अनाइस, 1 काली बड़ी इलायची, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 1 चम्मच डालना है शाही जीरा। अब फिर से चिकन को चलाते हुए अच्छी तरह से हम गरम मसालों के साथ फ्राई कर लेते हैं। अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए चिकन पर, तब तक हमें इसे फ्राई करना है। फिर इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच भरकर डाल देते हैं क्रश की हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अदरक लहसुन का कच्चापन चला जाए तब तक हम चिकन को मसालों के साथ मिक्स करते हुए भून लेते हैं। दही है ये फेटा हुआ 1/2 कप भरकर इसे डाल देंगे। फिर से दही को चिकन के साथ मिक्स करते हुए हमें भून लेना है। तेल अच्छी तरह से सेपरेट हो गया है मसालों का। अब हमें इसमें डाल देना है यखनी। टोटल यखनी और पानी मिलाकर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 7.5 कप। 5 कप हमने चावल लिया हुआ है उसके हिसाब से हम इसमें डालेंगे 7.5 कप पानी। यखनी को अब हम पका लेते हैं हाई फ्लेम पर। चिकन को अब हमें ज्यादा नहीं पकाना है। जैसे ही यखनी में बॉईल आ जाए हम इसमें डाल देंगे 1 किलो बासमती चावल, ये भिगोकर धोए हुए चावल है। चावलों के साथ ही साथ हम डाल देंगे अपने टेस्ट के हिसाब का नमक, करीब 1.5 चम्मच। मिक्स कर लेते हैं सारी चीजों को और इसको फिर से हम पकाएंगे हाई फ्लेम पर। जैसे ही पुलाव में बॉईल आ जाए हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी तली हुई प्याज, साथ ही साथ इसके डाल देंगे 1 चम्मच भरकर गरम मसाले का पाउडर। हल्के हाथ से अब चावलों को हमें गरम मसाले के साथ मिक्स कर लेना है। अब ढककर हम पुलाव को दम पर पकाएंगे एकदम लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए। चावल अच्छी तरह से दम पर पक गया है, पुलाव हमारा रेडी है। ढक्कन हटा लेते हैं। इसे सर्व करने से पहले हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। नीचे से ऊपर चावलों को उठाते हुए हमें इसे मिक्स कर लेना है हल्के हाथों से। अब इस पुलाव को हम डिश आउट कर लेते हैं। आप इसे सर्व कर लीजिए दही वाले रायते के साथ। बहुत ही मसालेदार और चटपटी रेसिपी बनती है, ट्राई जरूर करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही मजेदार रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।